लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रादेशिक विकास सेवा संगठन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मंच पर विभाग के उन अफसरों के कार्यों का प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए जो अपने जिले या ब्लॉक में विशिष्ट या अनूठे ढंग से काम कर रहे हैं। इससे विभाग के दूसरे अफसर भी अच्छा काम करने को प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि किसी संगठन का पदाधिकारी बनने का केवल यही लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि वह ट्रांसफर पोस्टिंग से मुक्त हो जाए। उसे संगठन के मंच का उपयोग करते हुए अपने कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों की विशिष्ट प्रतिभा को सामने लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। आज भी 2/3 से अधिक आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखें तो लगभग 3/4 से अधिक आबादी प्रदेश के अंदर ग्रामीण पृष्ठभूमि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में आम जन के जीवन के स्तर को उठाने और उनके जीवन में खुशहाली लाकर के प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर करने में आप सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है। प्रदेश में विगत 1.5 वर्ष के दौरान आप सबने एक टीम भावना के साथ प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के जो कार्य किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने लाए हैं, मैं इसके लिए आपके इस कैडर से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। वहीं इस दौरान ग्राम्य विकास मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी विभाग से ज्यादा अच्छे अफसर ग्राम्य विकास विभाग में हैं, जिनकी बदौलत यूपी को देश में पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चलते रहो की धारणा को मंत्र को लेकर के चलते रहते हैं, ऐसा परिश्रम, ऐसा ओज, ऐसा तेज, ऐसा विश्वास, ऐसी शालीनता, ऐसी कार्यकुशलता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं एक संस्कृत का श्लोक कहना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि असिद ग्रीष्म शात कग्जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्रमुर्वीयम लिखते यद गृहीत्वा सारदा सर्वकालम तदम गुणामीशम पारम न याति। ऐसे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और आज की आपकी तालियों ने जिस तरीके से स्वागत किया है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने कार्यालय में 34 वन टांगिया गाँव की तस्वीर बदलने का उदाहरण भी दिया और उन्होंने अधिकारियों को इस मामले में ज्यादा काम करने की नसीहत दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से नील सैनी की रिपोर्ट।